अस्सलाम वालेकुम, मैं नाइला फ़रूक। आज मैं आपके साथ आलू अंडे की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। चले आए किन चीज़ों की ज़रूरत है बनाते हैं। सबसे पहले हम 4 टेबलस्पून ऑयल के लेंगे, 4 टेबल स्पून प्याज डालेंगे, 1 टेबलस्पून लहसुन लिया है, 1/2 टीस्पून हल्दी का पाउडर है, 1/2 टीस्पून नमक है, 1 टेबलस्पून वो रेड चिली है, साथ में 1/2 टीस्पून ज़ीरा है, हरी मिर्च है कटी हुई, 1 टमाटो है और 4 अंडे हैं और ये 1/2 किलो आलू है। चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी रेसिपी है ये। इसके साथ मैं लहसुन डालूंगी, और साथ में ज़ीरा डाल दूंगी। इनका बस मैंने कच्चापन जो है ना वो ख़त्म करना है, इनको ना लाइट ब्राउन करना है ना कुछ। बहुत ही जल्दी तैयार होने वाली ये रेसिपी है। चलो जी, ये इनका कच्चापन ख़त्म हो गया, अब मैं इसमें डालूंगी टमाटर। टमाटर साथ में आलू। चलेंगे 2-2 टेबल स्पून करके पानी डाल के इसको भूनेंगे। अब हम इसमें डालेंगे रेड चिली का पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक। ये मैंने ग्रीन चिली ली है, ये बहुत तेज़ है इसलिए मैंने चिली जो है ना कम डाली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ना इसको भूनते जाएंगे और आलू भी जल्दी पकते जाएंगे साथ। चलें जी, इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल के इसको थोड़ा सा डांप दूंगी 5 मिनट के लिए, तो फिर 5 मिनट के बाद देखते हैं। चलें जी, ये देखें माशाल्लाह आलू हमारे हो गए हुए हैं। अब हम इसमें अंडे डालेंगे, ये हमारे 4 अंडे हैं जो मैंने फेंट के रखे हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आग मैंने स्लो की, अब मैं फिर तेज करती हूँ। बिस्मिल्लाह। बहुत ही इजी रेसिपी है ये। इसके बाद मैं इसको ब्रेड में डालूँगी।
बच्चे शौक से खा लेते हैं। इसमें अब मैं हरा धनिया भी डालूंगी, तो मैंने हरा धनिया काट के रखा हुआ है। बिस्मिल्लाह, और साथ में ये ग्रीन चिली भी डाल लें। तो इसमें आग स्लो की है, मेरे पास वो स्प्रिंग ऑनियन नहीं थे तो मैंने ये ग्रीन धनिया डाला है, तो वो भी डालते हैं साथ में, उसका भी बहुत अच्छा टेस्ट होता है। माशाल्लाह, देखिए जी, ये हमारे आलू अंडे तैयार हो गए हैं। अब मैं इसको उसमें ब्रेड में रख के सैंडविच बनाऊंगी, बच्चे बड़े शौक से इनको खाते हैं। चलें जी, चलें जी, ये देखें मेरे आलू अंडे तैयार हो गए हैं। आप रोटी के साथ भी खाएं, बहुत ही मज़ा आता है, लेकिन मैं बच्चों को ब्रेड में सैंडविच बना के दे रही हूँ। चलें जी, इसको हम उसमें सैंडविच मेकर में भी बना सकते हैं और साथ में तवे पे भी बना सकते हैं, तो मैं दोनों आपको बताती हूँ। ये इसके किनारे उतार के रख लेंगे, इसको ज़ाया नहीं करना। इसको हम फ्रिज में रख के फिर बाद में मैक्रो में करेंगे, ओवन में या मैक्रो में, तो ये बड़े अच्छे ब्रेड क्रम्स बन जाते हैं। इसके किनारे उतार देने, चलें जी, ये देखें मैंने ये बटर लिया है, तो इसको मैं इसमें ग्रीस करूंगी। ब्रेड को भी तवे को भी मैंने रखा हुआ है, इसको भी करेंगे, बाकी मैं इसमें करूँगी। अगर आपके पास जो नहीं है सैंडविच मेकर तो आप तवे पे भी कर सकती हैं, बड़ा अच्छा होता है। मटर मैंने लगा लिए, अब मैं इसमें टमाटो सॉस लगाऊँ। अगर आप और भी चाहें पुदीने की चटनी या धनिया की चटनी, वो लगा सकती हैं इसमें, अपनी अपनी चॉइस है सबकी। इसमें मेरा हो गया, मैं इसमें रखूँगी, मैं इसको कर लूँ। मैं इसके ऊपर भी हल्का सा बटर लगा दूंगी। ये मैंने इसमें रख लिया, अब मैं तवे का भी बताती हूँ आपको। Thank you.
ये आलू को पराठे के साथ खाएं, इतना मज़ा आता है ना खाने का, बहुत टेस्टी होते हैं। देखिए मैंने लगा लिया बटर, स्लो मैंने कर लिया इसका। इसको सेकना है सारा। ये देखें जी, ये भी हमारे हो गए माशाल्लाह, कितना ज़बरदस्त कलर आया। तो चलें आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। चलें जी, ये देखें हमारे माशाल्लाह सैंडविच तैयार हो गए, बड़े ज़बरदस्त बने। ये मैंने इसमें सैंडविच मेकर में बनाया और ये मैंने तवे पे बनाए हैं। आप लोग ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। आशा आप ट्राई करके दिखाओ कैसा बना। ओके, हाय व्यूअर्स, सैंडविच आप लोगों को ट्राई करवाएगी कि कैसा टेस्ट है, तो आप भी ट्राई करवाते। मुझे क्या बिलीव करो व्यूअर्स, इतने टेस्टी है। चलें जी, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मेरे जो भी नए हैं मुझे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़। बाय। अल्लाह।